हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.1 क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 110 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। देखिए, लेट्स से ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब यहां पर आपको तीन एंगल गिवन है, तीन एंगल्स का वैल्यू आपको गिवन है। लेट से हम मान लेते हैं ये आपका है 110 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री और ये है आपका 40 डिग्री। अब आपको फोर्थ एंगल निकालना है। तो देखिए, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, तो उस वीडियो में लास्ट में मैंने आपको समझाया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें बोला जाता है कि अगर हम चारों एंगल्स को सम कर देते हैं तो उसका वैल्यू आता है 360 डिग्री के बराबर। तो यहां पर आप इस फोर्थ एंगल को मान लेंगे x, क्योंकि आपको इसका वैल्यू नहीं पता। तो आप लिख लेंगे लेट फोर्थ एंगल बी एक्स, ओके। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो आप सिंपली यहां पर क्या करेंगे, सभी एंगल्स को ऐड कर लेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे 110 प्लस 50 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप यहां से आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 200, ओके। आप इनको ऐड कर लेना, ये आपका आएगा 200। तो यहां पर ये जो फोर्थ एंगल है, इसका वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 160 डिग्री। तो देखिए, आपने कितनी आसानी से यहां पर इस एंगल का वैल्यू फाइंड कर लिया। सिंपली आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए और कैसे इसको अप्लाई करना है, ये आपने यहां पर जान लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोथ आर सेम। अगर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर टू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए, यहां पर आपको किसी भी एंगल का डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, बट आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो कि आप क्वाड्रिलेटरल में यूज करोगे। तो वो क्या कहती है कि चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन इस रूल को अप्लाई करने से पहले आपको कॉमन रेशियो x मानना पड़ेगा। तो चलिए आप यहां पर लिख लीजिए लेट द कॉमन रेशियो रेशियो बिटवीन द एंगल इज एक्स, ओके। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जब आपने रेशियो एक्स मान लिया तो एंगल्स का जो वैल्यू होगा आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो पहला एंगल आपका हो जाएगा 3x, दूसरा एंगल आपका हो जाएगा 5x, थर्ड एंगल होगा 9x एंड फोर्थ एंगल होगा आपका 13x। इसके बाद आप लिख सकते हो सिंस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप यहां पर लिख सकते हैं सिंस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज
इज 360 डिग्री, इसका सिंपल सा मतलब है आप चारों एंगल्स को ऐड कर दोगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप यहां से इन सभी एंगल्स को ऐड करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आपका होगा 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 12 डिग्री। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना, 12 डिग्री ही आएगा आपका। लेट से ये आपका क्वाड्रिलेटरल था ABCD और एंगल A का वैल्यू हमने मान लिया 3x और एंगल B का वैल्यू है 5x और एंगल C है 9x और एंगल D का वैल्यू है 13x और x का वैल्यू आपको मिल चुका है। तो सिंपली आपको करना क्या है, एंगल A का वैल्यू आपके पास है 3x और x का वैल्यू आपने निकाल लिया है, तो 3 × 12 आपको करना है, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 36 डिग्री। इसी तरीके से आप एंगल B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंगल B है आपका 5x, दैट मीन्स 5 × 12 तो ये आपका होगा 60 डिग्री। एंगल C का वैल्यू आप निकाल लेंगे, 9x इज इक्वल टू 9 × 12 तो ये आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। इन द सेम मैनर आप निकाल लेंगे एंगल D का वैल्यू, तो एंगल D इज इक्वल टू आप लिखेंगे 13x, ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 13 × x का वैल्यू रख देंगे 12, तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा 156 डिग्री। ओके, अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे हमने यहां पर रूल अप्लाई किया है कि चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, तो आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको चारों एंगल्स को ऐड करना है। लेट से मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, 36 प्लस 60 डिग्री, ये आपका एंगल A है, ये B है और एंगल C है आपका 108 और एंगल D का वैल्यू है 156। जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। तो यहां से आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि चारों एंगल्स का जो सम है वो आपका 360 डिग्री है। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन थर्ड को अभी यहां पर सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन टू को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि एंगल्स का वैल्यू क्या निकल के आया है। तो आप वहां पर लिखें एंगल A का वैल्यू, एंगल B का वैल्यू, एंगल C का वैल्यू एंड एंगल D का वैल्यू।